बच्चों, हमने परावर्तन के नियमों के बारे में पढ़ा है। परावर्तन के नियम समतल सतह पर जिस प्रकार लागू होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार गोलीय सतह पर भी लागू होते हैं। हमने अभी देखा कि गोलीय सतह दो प्रकार की होती है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। साथ ही जो गोलीय सतह है, उस गोलीय सतह पर जब कोई किरण आपतित होती है, तो यदि हमें आपतन कोण पता हो तो हम परावर्तन कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपतन कोण को ज्ञात करने के लिए हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो गोलीय सतह पर जो अभिलंब है वो किस प्रकार का होता है, ये जानने के लिए, साथ ही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वो किस प्रकार गमन करती हैं, इन सभी बातों को समझने के लिए चलिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए देखिए, ये मेरे पास एक है रबर की बॉल और उसको हमने एक, ये देखिए, ऐसे एक अनुप्रस्थ काट से हमने इसे ये काट दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ हमें दो प्रकार के ऊपरी सतह एक दिखाई दे रही है और एक ये अंदरूनी सतह है। ये जो ऊपरी सतह है, ये ध्यान से देखिए, ये किस प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, उत्तल दर्पण की तरह। और बिल्कुल वैसे यदि हम अंदरूनी इस वक्री सतह को देखें तो ये किसकी तरह दिखाई दे रही है, अवतल दर्पण की तरह। और हमने साथ में क्या किया है, आप देख पा रहे हैं, हमने इस सतह पर जो ऊपरी सतह हमने ली है, जो उत्तल दर्पण की तरह दिखाई दे रही है, उसमें ये ऑल पिन लगा दी है। और यही प्रक्रिया, देखिए ये एक सीध में लगी हुई है, ठीक है, और यही प्रक्रिया हमने इस अंदरूनी सतह यानी कि अवतल दर्पण नुमा सतह पर भी, ये देखिए एक लाइन से ये ऑल पिन हमने यहाँ लगाई है। अब यदि हम इन ऑल पिनों को प्रकाश की किरणें मान लें, तो प्रकाश की किरणें आपतन के बाद परावर्तित होती हुई, ये देखिए ये किस तरह की दिखाई दे रही है, ये जो हमारा उत्तल दर्पण नुमा जो यहाँ पर आपको सतह दिख रही है, इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए बहुत ध्यान से अगर हम इसे देखें तो ये ऑलपिन की जो दिशा है ये बिल्कुल ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती हैं, यानी कि फैलती हैं। और यदि हम इसमें अवतल दर्पण नुमा इस सतह पर देखें तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो ऑलपिन है ये किसी एक बिंदु की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये अपसरित हो रही है। और साथ ही ये जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वो इस वक्री सतह के लिए केंद्र बिंदु, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वो कहलाएगा। और केंद्र से गोलीय सतह पर जिन बिंदुओं पर ये ऑलपिन है उन पर वो रेखाएं जो है वो क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो ये ही जो है, जो केंद्र से गोलीय सतह के बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं हैं, यही अभिलंब है। तो हमने देखा कि गोलीय सतह पर अभिलंब किस प्रकार के होते हैं, साथ ही उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात अभिसरित होती हैं, और साथ ही अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात परावर्तित होती हैं तो अपसरित होती हैं। ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किस प्रकार किरणें अभिसारी और अपसारी होती हैं, यानी कन्वर्ज और डाइवर्ज होती हैं, इसको समझने के लिए मैंने ये छोटा सा सेटअप लगाया है। हम देख रहे हैं कि एक साधारण कार्डबोर्ड था, इसको काट कर मैंने एक स्ट्रिप बना लिया और इसमें मोमबत्ती को पिघला कर इस माचिस की काड़ियों को इस पर फिक्स कर दिया है। मतलब ये सारी काड़ियाँ हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रिप पर लंबवत हैं। अगर ये मान लीजिए ये जो स्ट्रिप ऊपर दिख रहा है ये कोई दर्पण की चमकदार सतह है और इस पर ये जो माचिस की काड़ियाँ हैं वो प्रकाश की किरणों की तरह कार्य कर रही हैं। अगर ये समतल है जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है तो ये समतल दर्पण की जैसे काम कर रहा है। समतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश की किरणें इस प्रकार अभिलंबवत होंगी सीधे, तो वो परावर्तन के पश्चात सीधे सीधे वापस लौट जाती हैं, मतलब जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में वापस चले जाएंगे। लेकिन यही उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण की बात करें तो ये किरणें किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, हम जानते हैं कि अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं मतलब उसका चिकना सतह अंदर धंसा हुआ रहता है और उस पर ये किरणें सीधी आएंगी, तो अपवर्तन के पश्चात यदि मैं इस स्ट्रिप को घुमाकर एक अवतल दर्पण की तरह बनाने का प्रयास करूं, तो हम देख रहे हैं कि सारी माचिस की काड़ियां एक दूसरे की तरफ हो रही हैं, मतलब
ये एक बिंदु पर मिल जाएंगी। यदि इन काड़ियों को मैं बड़ा कर देती तो ये सारी काड़ियाँ एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिल जाती और वो बिंदु इस दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता। यहाँ हमने देखा कि सतह को हमने घुमाया तो सारी काड़ियाँ मिल रही हैं, पर यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें जिसका पृष्ठ उभरा हुआ रहता है तो इसकी चमकदार सतह को हम उभार देते हैं और इसे उभारने के लिए मैं इस प्रकार मोड़ देती हूँ, मतलब इस पर कोई किरणें समतल भी पड़ेंगी तो हम देख रहे हैं कि ये फैल जा रही हैं। इन काड़ियों को यदि हम किरणें मान रहे हैं तो जिस प्रकार ये काड़ियों की दिशा होगी ये किरणें भी उसी तरह से फैल जाएंगी, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। पर इस माचिस की काड़ियों को यदि मैं दर्पण के पीछे की ओर इकट्ठा करूँ, यानी कि पीछे की ओर खींचने का प्रयास करूँ या मिलाने का प्रयास करूँ, तो इस दर्पण के पीछे हमको इसका फोकस बिंदु मिलेगा और इसीलिए ही उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु इस दर्पण के पीछे होता है। क्रियाकलाप दो। एक अवतल दर्पण लीजिए और उसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखिए। दर्पण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा और इस परावर्तित प्रकाश को हम एक कागज पर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जब तक कागज पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंब नहीं प्राप्त हो जाता, कागज को आगे पीछे धीरे धीरे खिसकाएं। आप यदि कागज तथा दर्पण को इसी स्थिति में कुछ मिनट रखते हैं तो क्या होता है? वास्तव में कागज पर बनने वाला यह चमकीला बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है जिसे हम कागज अर्थात पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज है। वह बिंदु जिस पर हमें सूर्य का सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण का फोकस बिंदु फोकल पॉइंट कहलाता है। अब नेक्स्ट टर्म है फोकस दूरी। फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी वो कहलाती है फोकस दूरी और इसे हम अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर एफ से दर्शाते हैं। तो उत्तल दर्पण के लिए ये फोकस दूरी होगी और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये होगी। बच्चों, फोकस दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। अब नेक्स्ट है अपर्चर यानी कि द्वारक। एक्चुअली दर्पण के जो ज्यामितीय दो छोर होते हैं इनके बीच की शॉर्टकट दूरी वो कहलाएगा द्वारक यानी कि अपर्चर। और इस चित्र में देखें तो ये दर्पण का जो दो छोर है यानी कि एम एम डैश, ये जो डिस्टेंस है वो इस दर्पण का द्वारक कहलाता है। किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं या प्रतिबिंब के निर्माण के लिए चित्र बनाते हैं तो दर्पण को हम हमेशा अपने कॉपी के राइट साइड में बनाएंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। और जितनी भी किरणें आ रही हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर बनाएंगे, यानी आपतित किरण की दिशा आपकी कॉपी में लेफ्ट से राइट की ओर होगी क्योंकि दर्पण राइट पे रखा गया है। तो आपतित किरण भी लेफ्ट से राइट की ओर होगा क्योंकि किरण दर्पण पर आपतित हो रही है। अब ये मुख्य अक्ष है, चाहे उत्तल दर्पण के लिए देखें चाहे अवतल दर्पण के लिए देखें, हम ये चिन्ह परिपाटी दोनों पर लागू होती है। बस यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है, वो दोनों को साथ में लेकर बनाते जाते हैं और इनके अंतर को समझते जाते हैं। ये उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष या अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो इसके वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से होकर गुजर रही है। अब सारी दूरियों का मापन हम इस दर्पण के ध्रुव से ही करते हैं, मतलब सभी डिस्टेंस इस पोल से ही नापे जाएंगे। यदि हम इस ध्रुव पर देखें तो इस ध्रुव को हम चार क्वाड्रेंट में यहाँ से एक लकीर खींचते और बांट देते हैं। यदि हम इसके लेफ्ट साइड देखें, ध्रुव के जो लेफ्ट साइड आ रहे, तो जितनी भी राशियाँ नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। जैसे कि आप त्रिज्या नाप रहे हैं इस अवतल दर्पण के केस में, त्रिज्या कहाँ से नापी जाएगी? पोल से। सारे डिस्टेंस को हम पोल से ही मापन करते हैं। तो हम P से लेकर हम इस C तक की दूरी नापेंगे। C मतलब सेंटर। तो PC यानी कि त्रिज्या R जो होगी इस केस में ऋणात्मक हो जाएगी क्योंकि ये इस ध्रुव के लेफ्ट साइड है।
अगर वही हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पर किरणें लेफ्ट से राइट की ओर आ रही है और यहाँ हमने भी चार क्वाड्रेंट बनाया, तो अब यहाँ पर जो त्रिज्या नापी जाएगी यानी कि पी से सी यानी कि आर नापा जाएगा तो वो धनात्मक होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतल दर्पण की त्रिज्या ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की त्रिज्या धनात्मक होती है। और इसको दूसरे शब्द में समझें तो जो भी मेजरमेंट किरणों की दिशा में किया जाता है आपतित किरणों की दिशा में उसको हम धनात्मक लेते हैं और आपतित किरण के विपरीत यदि हम नापते हैं तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण के केस में हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे त्रिज्या ऋणात्मक होगी, लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हम आपतित किरणों की दिशा में ही त्रिज्या का मापन कर रहे हैं पी से सी और इसीलिए वो धनात्मक होगी। अब दूसरा चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन हम देखते हैं कि यदि हम मुख्य अक्ष से ऊपर किसी डिस्टेंस का मापन कर रहे हैं तो वो धनात्मक होगा और मुख्य अक्ष से नीचे लेंगे तो वो ऋणात्मक होगा। मान लीजिए वस्तु इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनी रखी हुई है तो इस वस्तु की लेंथ को हम धनात्मक लेंगे, लेकिन अगर यही वस्तु नीचे रखा गया है इस प्रकार हम मान लीजिए नीचे रखे हैं उल्टा रखे हैं तो इस वस्तु के लेंथ को इसकी लंबाई को हम ऋणात्मक लेंगे। और वैसे ही प्रतिबिंब भी जिस प्रकार भी बनेगा आगे हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी जहाँ पर बन रहा है जैसा बन रहा है तो उसके बनने के आधार पर उसकी भी लंबाई को धनात्मक या ऋणात्मक लिया जाता है। यहाँ से हम देखें कि जब हम वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई नाप रहे हैं तो उसको मुख्य अक्ष से नाप रहे हैं इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पोल के राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दर्पण के आगे बन रहे या पीछे, उससे हम धनात्मक या ऋणात्मक नहीं लेंगे। इसकी लंबाई की निर्धारण केवल इसी आधार पर किया जाएगा कि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है या मुख्य अक्ष के नीचे। तो बच्चों अब हम वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण का नियम पढ़ते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। वैसे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से आने वाली सारी किरणों के परावर्तन के पश्चात आपस में मिलने से बनता है, लेकिन किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण के लिए मिनिमम दो किरणों की आवश्यकता होती है। ये दो किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, किस बिंदु पर मिल रही हैं, वहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा और प्रतिबिंब का आकार भी इसी बिंदु पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी दो किरणें ले सकते हैं। पहली वो किरण जो इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए ये समांतर किरणें आई, ये अवतल दर्पण की चमकदार सतह से टकराई और यहाँ उसका परावर्तन हुआ। बच्चों किसी भी स्थिति में परावर्तन की घटना उसके नियम के आधार पर ही होती है। हमने जाना परावर्तन के पहले नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर ही होते हैं, तो वो दर्पण की सतह चाहे समतल हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो परावर्तन का नियम हमेशा फॉलो होता है। तो यहाँ पर हम देखें इस स्थिति में तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दर्शाने के लिए हमको सबसे पहले अभिलंब की आवश्यकता है। अभिलंब इस परावर्तक पृष्ठ यानी कि इस दर्पण पर खींची हुई एक लंबवत रेखा होती है जहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको एक लंबवत रेखा खींचनी है। मान लीजिए आपतित किरण इस बिंदु पर टकरा रही थी इस दर्पण पे, यानी कि यह आपतन बिंदु है। अब यहाँ पर हमें खींचना है एक लंबवत रेखा जो कि अभिलंब कहलाता है। तो किसी भी गोले की परिधि पर यदि हम लंबवत रेखा खींचे तो वो उस गोले की त्रिज्या ही होती है, क्योंकि यदि हम परिधि को एक स्ट्रेट लाइन मान के चले छोटे से एरिया पर और उस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींचे तो वो उसकी त्रिज्या होती है। तो इसका मतलब जब हमको अभिलंब खींचना हो किसी भी बिंदु पर इस गोलीय पृष्ठ के लिए तो हम उसके केंद्र से
त्रिज्या खींच देते हैं और ये त्रिज्या ही अभिलंब का कार्य करती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आई बराबर आर होगा, अपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा और ये परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ही किरण इस दर्पण से टकराकर परावर्तित होगी और यह परावर्तित किरण फोकस से ही गुजरेगी जो इस मुख्य अक्ष के समांतर थी। इसी प्रकार यदि हम इस उत्तल दर्पण में देखें तो ये किरण जो इस मुख्य अक्ष के समांतर है, अब यहाँ पर हम इस अपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये अपतित किरण इस अपतन बिंदु से परावर्तित होकर इस दिशा पर जा रही है। चूँकि ये उत्तल दर्पण है इसलिए किरण हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फैल रही है, मतलब ये दर्पण से टकराकर बाहर की ओर निकल रही है। अब इस किरण की दिशा को यदि मैं पीछे की ओर खींचती हूँ तो यह बिंदु जहाँ से ये परावर्तित किरण आती हुई प्रतीत हो रही है उस बिंदु को हम इस उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहेंगे। और इस प्रकार हमने देखा जो किरणें समांतर आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। अब बच्चों हम दूसरी किरण लेते हैं, एक ऐसी किरण जो फोकस से गुजर रही हो या फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हो, देखते हैं कि वो परावर्तन के पश्चात किस दिशा में परावर्तित होती है। ये हमने अवतल दर्पण के लिए बनाया। मान लीजिए किरण है जो कि इस फोकस से आपतित हो रही है, गुजर रही है इस अवतल दर्पण के पृष्ठ पर, यहाँ पर परावर्तन होगा परावर्तन के नियम के अनुसार और टकराने के पश्चात ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि हम इस उत्तल दर्पण की बात करें तो ये किरण जो इस फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही थी या इससे गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, जब इसका उत्तल दर्पण से परावर्तन होगा तो भी यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, जो समांतर किरणें होंगी मुख्य अक्ष के वो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेंगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। दूसरा, जो किरण फोकस पर आपतित हो रही थी या वहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी वो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम एक किरण लेते हैं जो कि इस दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजर रही है। जब ये वक्रता केंद्र से गुजरेंगी तो ये परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाएंगी, मतलब यहाँ पर किरणों की दिशा जस्ट विपरीत हो जाएगी, ये और कोई दूसरा मार्ग नहीं अपनाएंगी बल्कि वो उसी मार्ग में ही वापस लौट जाएंगी। अब ये चौथी किरण हम लेते हैं जो कि सीधे इस गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही है। जब ये गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये मुख्य अक्ष से दूसरी ओर जाती हुई प्रतीत होगी और इस स्थिति में मुख्य अक्ष इन किरणों के लिए अभिलंब का कार्य करेगा और यहाँ पर अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने चार किरणों के परावर्तन को देखा और इन्हीं चार किरणों की सहायता से हम इन दोनों दर्पणों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि इन दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है।